हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन ऑल्सो। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जीके चैप्टर 36, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का माने होता है यातायात के साधन, यातायात के साधन, यातायात के साधन हुए, ठीक है। यातायात के साधन यानी यातायात का मतलब क्या, परिवहन भी हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में यातायात का मतलब परिवहन भी होता है, किसी सामान को ले जाना, ले आना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो किसी सामान का ले जाना और ले आना, उसको ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं, तो यातायात कहते हैं। तो यातायात आखिर किसके द्वारा, किसके द्वारा हम किसी आदमी को या एक वस्तु को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उसका, उसको हम कहते हैं साधन। यानी जिस साधन के द्वारा किसी वस्तु को या आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जाते हैं और ले आते हैं, उसी को हम यातायात के साधन कहते हैं। ले जाना, ले आना यातायात हो गया। और जिस साधन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं परिवहन के साधन या यातायात के साधन कहते हैं। अब यातायात के साधन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। यातायात के साधन तीन प्रकार के हैं। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कहते हैं भूमि यातायात। यानी जमीन पर, और दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं जल यातायात। जल यातायात और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। जिसको कहते हैं वायु यातायात। वायु यातायात, ओके। अब मैं आपको बताऊं, जल, जमीन यातायात, भूमि यातायात यानी जमीन यातायात, यानी जमीन यातायात, ठीक है, जमीन यातायात यानी जो यातायात जमीन से संबंधित हो, जो यातायात जमीन से संबंधित हो उसको हम भूमि या जमीन यातायात कहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे जमीन पर चलने वाले, जैसे क्या चीज है, बैलगाड़ी, साइकिल, टांगा, जीप, कार, ट्रेन, ये सब जमीन यातायात हो गए, यातायात के साधन हो गए। लेकिन ये जीप गाड़ी, बैलगाड़ी और तांगा, ये सब इनके अलावा भी जानवर, जो जमीन, जिस जानवर के द्वारा हम किसी आदमी को या किसी सामान को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उस यातायात को, उस यातायात के साधन को हम जमीन यातायात भी कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, खच्चर, ये इन सब को भी हम जमीन यातायात के साधन कहते हैं। इन सभी को भी हम जमीन का यातायात के साधन कहते हैं। जैसे घोड़े के द्वारा भी हम किसी आदमी को या किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जाते हैं। हाथी, हाथी पर भी हम बोझ ढोते हैं,
और आदमी चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और बोझ को भी हम लाद करके हाथी पर ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। खच्चर, खच्चर पर भी जो है सो हम बोझ को लाद करके सामान को लाद करके, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी है, ऊंचे पहाड़ियों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हम खच्चर के द्वारा, घोड़े के द्वारा उन पर सामान लाद करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हम ले जाते हैं। इसलिए खच्चर को भी हम जमीन यातायात के साधन में सम्मिलित करते हैं। तो ये सब जो है भी जमीन के यातायात के साधन कहलाए। जैसे प्राचीन समय में, पहले समय में, पहले ये नहीं होते थे जीप, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, ये जमीन जमीन पर चलने वाले जीप, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ये सब नहीं होते थे। तब हम क्या चीज़ करते थे प्राचीन ज़माने में, बहुत समय पहले? तो उस समय में लोग जो है घोड़े पर चढ़ करके, हाथी पर चढ़ करके, ऊँट पर चढ़ करके, है ना, इन सब पर चढ़ करके बोझ ले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और ले आते थे। तो उस ज़माने में इसलिए जानवरों को भी जमीन यातायात के साधन में सम्मिलित किया गया है। ओके, अब मैं आता हूँ दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल यातायात, यानी जल पर चलने वाले जो यातायात के साधन हैं उनको हम जल यातायात के साधन कहते हैं। जैसे अब जल यातायात में कौन कौन हुआ, तो जैसे सीप हो गया, याच हो गए, याच, सीप और बोट, नाव, है ना, स्टीमर, ये सब जल पर चलने वाले ये सब यातायात के, जल यातायात के साधन हुए। यानी जल यातायात में जो साधन सम्मिलित होते हैं उनको जल यातायात के साधन कहते हैं, तो उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट जो है हवा में चलने वाला यातायात, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वायु ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हवा में चलने वाले यातायात को हम वायु ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, जैसे एरोप्लेन हो गए, ग्लाइडर हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सब को, रॉकेट हो गया, इन सब को हम क्या कहते हैं, ये वायु ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वायु ट्रांसपोर्ट के साधन कहते हैं, यानी मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको सीप, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, रॉकेट, ये वायु यातायात के साधन हुए। अब मैं आप लोगों को इसका अलग, मैं किताब में जो दिया हुआ है ये, अब मैं किताब में आपको दिखाता हूँ, ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी यातायात के साधन, परिवहन के साधन या यातायात के साधन इसको कहते हैं। और ये देखिए, इसमें कार है, एरोप्लेन है, याच है, बोट है, ट्रक है, ग्लाइडर है, और ये ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, और ये शिप है। इस किताब में, इस पुस्तक में 9 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। अब ये इसमें कुछ जो है लैंड ट्रांसपोर्ट है, कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट है, और कुछ एयर ट्रांसपोर्ट भी है। तो इसको जो है मैं आप लोगों को मैं अलग अलग करके, जैसे किताब में दिया हुआ है यहाँ पर कि लैंड ट्रांसपोर्ट में 3 कौन कौन है, वाटर ट्रांसपोर्ट में 3 कौन कौन है, और एयर ट्रांसपोर्ट में 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गुरुग्राम एच लिखा हुआ है, गुरुग्राम एच, गुरुग्राम एच, तो इसको जो है ये करना है, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट ये, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखिए इसमें पहला है क्या कि
लैंड ट्रांसपोर्ट में पहले दिया है किताब में क्या है, कार है, ठीक है, कार को मैं लिख लूं। दूसरा है ट्रक और तीसरा है क्या चीज, ट्रेन। ओके, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ट्रक और तीसरा है क्या चीज, ट्रेन, ठीक है। अब आ गया, दिखाई पड़ रहा है ट्रेन, ठीक है, ओके। और वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट में पहला है क्या चीज, याच, और याच के बाद में क्या है, बोट। और बोट के बाद में क्या है, शिप, ठीक है। देखते हैं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, ओके। अब एयर ट्रांसपोर्ट में है क्या चीज, एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले ग्लाइडर किताब में है, ग्लाइडर, उसके बाद में एरोप्लेन है, पहले एरोप्लेन है, उसके बाद है ग्लाइडर और तीसरा है हेलीकॉप्टर। अब देखिए ये तीन है, यानी लैंड ट्रांसपोर्ट में तीन, वाटर ट्रांसपोर्ट में तीन, लैंड ट्रांसपोर्ट में तीन, वाटर ट्रांसपोर्ट में तीन और एयर ट्रांसपोर्ट में तीन। यानी जो किताब में जो नाइन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया, कार, ट्रक, ट्रेन और लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, याच, बोट एंड शिप आर द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर आर एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, उस होमवर्क को आप लोग बनाएंगे। होमवर्क में, होमवर्क क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नेम एनी थ्री मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी इसको आप लोग तीन सौ लिखिएगा। क्वेश्चन टू है, नेम एनी थ्री मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेम एनी थ्री मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी जल यातायात के तीन साधन का नाम लिखना है, वन टू थ्री। क्वेश्चन थ्री, नेम एनी थ्री मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। यानी वायु यातायात के तीन साधनों का नाम लिखना है,
तो ये हो गए आपके होमवर्क, यानी जमीन यातायात के तीन साधनों का नाम लिखना है, 1, 2, 3, और जल यातायात के तीन साधनों का नाम लिखना है, और पिछला है क्वेश्चन वायु यातायात के तीन साधनों का नाम लिखना है, जो मैंने आपको बताया, किताब से भी बताया मैंने आपको। तो इस होमवर्क को आप करके रखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।